उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान आज, एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ और विपक्ष की ओर से मार्गरेट अल्वा उम्मीदवार। संसद भवन में थोड़ी देर में शुरू होगा मतदान, शाम 5 बजे तक वोटिंग होगी, इसके तुरंत बाद वोटों की गिनती। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को हो रहा है खत्म, 11 अगस्त को नए उपराष्ट्रपति शपथ लेंगे। आजादी के अमृत महोत्सव पर आज उच्च स्तरीय बैठक, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में शाम 4:30 बजे राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में मीटिंग। महाराष्ट्र में कल हो सकता है कैबिनेट विस्तार, मुंबई में सीएम एकनाथ शिंदे ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात। पात्राचौल घोटाले में ईडी आज संजय राउत की पत्नी से भी करेगी सवाल जवाब, संजय और वर्षा राउत से आमने सामने पूछताछ हो सकती है। जेल में अर्पिता मुखर्जी की जान को खतरा, कोर्ट में अर्पिता के वकील ने दावा किया, ईडी ने भी खतरे की बात मानी, कहा जांच के बाद ही खाना दिया जाए। बस एक कॉल कर सकती है आपको कंगाल, खाली हो सकता है बैंक खाता, कैसे देखिए मेरे साथ जागते रहो सिर्फ Money9 पर, अभी डाउनलोड करें। गुजरात के 2 दिन के दौरे पर सीएम केजरीवाल जामनगर के व्यापारियों को संबोधित करेंगे, कल छोटा उदयपुर में जनसभा। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का ट्वीट, बोले 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा खुलासा करूंगा। नोएडा में महिला से बदसलूकी करने वाले बीजेपी नेता श्रीकांत त्यागी के खिलाफ FIR दर्ज हुई, श्रीकांत की तलाश में जुटी पुलिस, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था महिला से बदसलूकी का वीडियो। कॉमनवेल्थ में कुश्ती में भारत की गोल्डन हैट्रिक, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और दीपक पुनिया ने गोल्ड जीता, भारत के खाते में अब तक 9 गोल्ड समेत 26 मेडल आए। छत्तीसगढ़ के कांकेर में बारिश से उफान पर है नदियां, बच्चे जान जोखिम में डालकर नदी पार करने को मजबूर। पंजाब के पठानकोट में मूसलाधार बारिश के बाद कई इलाके जलमग्न हुए, सड़कों पर पानी भरने से लोग परेशान। बिहार के गोपालगंज में भारी बारिश के बाद बाढ़ का खतरा, गंडक नदी में उफान, करीब आधे दर्जन गांव में पानी शामिल। आंध्र प्रदेश के NTR जिले में सैलाब में फंसे 2 लोग, पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को सुरक्षित निकाला। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में खाई में गिरी बच्चों से भरी बस, हादसे में 8 बच्चे घायल हुए, इलाज के लिए जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में बॉम्ब ब्लास्ट धमाके में 8 लोगों की मौत, 18 से ज्यादा घायल, इस्लामिक स्टेट ने हमले की जिम्मेदारी ली। डोनेट्स्क में रशियन आर्मी की जबरदस्त बमबारी, यूक्रेन के सैन्य ठिकानों को किया तबाह। यूक्रेन के लुहांस में भी भीषण जंग जारी, यूक्रेन के काउंटर अटैक में 2 रूसी जवानों की मौत हुई, हमले का वीडियो जारी किया गया। बैटल ग्राउंड से लैंडमाइंस को हटाती नजर आई रशियन आर्मी, लैंडमाइंस को हटाने के दौरान जोरदार विस्फोट हुआ। चीन की फायर ड्रिल पर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बड़ा बयान, कहा हम चीन के उकसावे में नहीं फंसने वाले। समंदर में चीन की लाइव फायर ड्रिल पर अमेरिका की पैनी नजर, पेंटागन के आदेश पर अमेरिका के 7 जासूसी विमान ताइवान के आसपास लगातार लगा रहे हैं चक्कर। रूसी धमकी के बावजूद नेटो ने बॉर्डर के पास तैनात किया अमेरिकी फाइटर प्लेन, पोलैंड के एयरबेस पर नेटो ने F-22 Raptors की तैनाती की। इम्पैक वॉर ड्रिल में 26 देशों के 38 युद्धपोतों ने अब तक का सबसे बड़ा किया ऑपरेशन चलाया, इस अभियान में 3 सबमरीन, 170 एयरक्राफ्ट और 30 अनमैन्ड व्हीकल से डमी ठिकानों पर धावा बोला गया। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में जंगलों में लगी आग रिहायशी इलाकों तक पहुंची, आग में झुलसने से 10 लोगों की जान गई। क्या आपने भी खरीद लिया है गलत शेयर, हो गया है भारी नुकसान? देखिए मेरे साथ 80-90 पूरे 100 सिर्फ Money9 पर, अभी डाउनलोड करें।